जय हिंद। झारखंड करंट अफेयर्स का ये सातवां लेक्चर है जिसमें हम लोग झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान और इसके पीछे झारखंड लगता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। पहला तो आपका फुल फॉर्म ही इम्पोर्टेंट है कि आशा का पूर्ण रूप क्या है, तो वो फुल फॉर्म है आपका आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। ये बेसिकली योजना क्या है, इसके पीछे झारखंड सरकार क्या सोच के इसको लेके आई है, उसके बारे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इसके पहले टोटल 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और ये 6 लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरी जो चीज़ें हैं एक दूसरे सारे लिंक्ड होती हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए और सारे लेक्चर को सीरियल वाइज देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे एग्जाम में और सारे जो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करूँगा, चाहे योजना हो, चाहे आपका चर्चित विषय हो, खेल खिलाड़ी हो, पुरस्कार हो, बहुत अच्छे से बहुत डीप में विद PDF नोट्स में कवर करूँगा। तो आपको एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और खासकर हमारे जो पेड स्टूडेंट हैं, जो इनरोल स्टूडेंट हमारे झारखंड स्टैटिक में, उनको यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट ऑलरेडी कर ली है, बस आपको तहत मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। लेटेस्ट 1 रिपोर्ट वगैरह सारा ही ऑलरेडी कंप्लीटेड है और इसके साथ में मैं MCQ भी लेकर के आऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आशा योजना की। ये एग्जैक्ट PDF आपको मिल जाएगा, नो वरी, इसी तरह से आपको मिलेंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो आशा योजना के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। ये योजना कब और क्यों लाया गया? झारखंड में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना घर चलाने के लिए क्या करती हैं, सड़क पर हनिया और जो महुआ का जो शराब होता है जिसको दारू बोलते हैं, वो लोग बेचती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। तो इन्हीं का जो लाइफस्टाइल है उनको चेंज करने के लिए ये जो आशा योजना है वो तैयार यहाँ पे किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि ये महिलाएं जो है वो मजबूरी में काम करती हैं, कोई भी महिला सड़क पर हनिया दारू बेचते हुए नहीं दिखाई देंगी, इस योजना के तहत उनका जीविका यहाँ पे सुधारा जाएगा। और अब देखिए, इसी से यहाँ पे नाम पड़ा है झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, मतलब जो झारखंड की महिलाएं हैं जो हनिया दारू वगैरह बेचती है उनकी जो आजीविका है उनको संवर्ध किया जाएगा, मतलब उनको आगे निकाला जाएगा और उनको इस योजना से यहाँ पे जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, रोजगार भी मिलेगा और स्वरोजगार मतलब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो पाएंगे। ये कैसे हो पाएंगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका योजना का शुरुआत कब हुआ था, वो हुआ था आपका 19 सितंबर 2020 ईस्वी को। इस योजना के साथ ही फूलो झानो आशीर्वाद योजना और पलाश ब्रांड, इसी के तहत यहाँ पे लागू किया गया है। और ये तीनों जो योजनाएं हैं, चाहे पलाश ब्रांड हो, चाहे फूलो जानो आशीर्वाद योजना हो या आजीविका संवर्धन अभियान हो, ये तीनों ही झारखंड की महिलाओं के लिए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको चलाई जा रही है। ये जो अभियान है आपका आशा अभियान, दूसरा पलाश ब्रांड और तीसरा फूलो जानो, ये तीनों के तहत लगभग 26 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। आप समझ सकते हैं 26 लाख परिवार मतलब कितने सारे यहाँ पे महिलाओं का यहाँ पे संवर्धन किया जाएगा, उनके जीविका को सुधारा जाएगा। और अकेले आशा योजना के तहत 17 लाख ग्रामीणों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा, टोटल 26 लाख, उसमें से आशा योजना के तहत अकेले कितना है 17 लाख। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि उनको रोजगार और स्वरोजगार दिया जाएगा, वो कैसे दिया जाएगा? आशा योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रह, उद्यमिता समेत स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार से यहाँ पे प्रदान उनको किए जाएंगे। मतलब कुछ को यहाँ पे कृषि आधारित आजीविका दिया जाएगा, कुछ को पशुपालन में यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, वनोपज संग्रह मतलब जैसे ला होता है, कुछ हमारे फल वगैरह होते हैं उनको संग्रहित करने के लिए किया जाएगा, कुछ उद्यम मतलब कुछ दुकान वगैरह खोल दिया जाएगा, अलग अलग तरीके से मतलब जो जैसा यहाँ पे जिनका स्तर है उसके हिसाब से यहाँ पे उनको रोजगार यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस योजना के तहत जो बजट है वो 600 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटन किया गया और जो मुख्यमंत्री है वो खुद दुमला के मंडलों के बीच 150 करोड़ रुपया यहाँ पे बांटे हैं और ये योजना ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है और प्रतिदिन लगभग 6.5 लाख लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाता है। तो एक नजर में देख लेते हैं योजना का क्या नाम है, झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, झारखंड आजीविका
संवर्धन हुनर अभियान, तो झारखंड से हो गया जे आपका, और बाकी आशा किसने लॉन्च की? हमारे झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉन्च की। लाभार्थी कौन है? झारखंड की महिलाएं हैं। उद्देश्य क्या है? उनको रोजगार प्रदान करना है। आशा का फुल फॉर्म ये हो गया, शुरुआत हुआ 20 सितंबर 2020 से, तो आप यहाँ पे देख भी पाएंगे। देखिए, झारखंड राज्य के महिलाओं के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आशा, फूलो झानो और पलाश ब्रांड का यहाँ पे अनावरण किया गया एक ही दिन। जैसे आपको नीलांबर पीताम्बर, फिर पोटो हो और बिरसा हरित ग्राम एक दिन किया गया था, उसी तरह से ये तीनों को एक दिन यहाँ पे किया गया है। और आप देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और ये ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम है। क्लियर हो गया? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐप में भी हम लोगों ने डाउट सेक्शन इंक्लूड कर दिया, वहां भी आप डाउट पूछ सकते हैं। और ये जो योजना है, अगर आपको सिलसिलेवार ढंग से चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन में आ सकते हैं। एप्लीकेशन में मैंने एकदम फ्री है, जीरो कॉस्ट है इसका, कोई आपको फी नहीं देना है। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहां पे आपको पैकेज मिल जाएगा झारखंड करंट अफेयर्स का, और भरोसा कीजिए आपका बहुत अच्छा तैयारी करंट अफेयर्स में हो जाएगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, या तो आपको ऐप में मिल जाएगा। दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो तब के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।